टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 12 साल हो गए हैं और आज भी दर्शक इस शो को काफी पसंद करते हैं, लेकिन जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी को लगता है कि वक्त के साथ शो की राइटिंग पर काफी बुरा असर पड़ा है। दिलीप का मानना है कि शो के राइटर्स पर काफी प्रेशर होता है कि उन्हें रोज नए एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट देनी होती है और यही वजह है कि उनकी राइटिंग की क्वालिटी पर इसका असर पड़ता है। दिलीप ने स्टैंड अप कॉमेडियन सौरभ पंत से बात करते हुए कहा, जब आप क्वांटिटी देखते हैं तो कहीं न कहीं क्वालिटी पर इसका असर पड़ता है। पहले हम वीकली काम करते थे और राइटर्स के पास बहुत समय होता था, 4 एपिसोड लिखे, दूसरे 4 एपिसोड अगले महीने शूट करना है। अब यह फैक्ट्री हो गया है, राइटर्स भी तो इंसान हैं। मैं मानता हूं कि सारे एपिसोड उस लेवल के नहीं होंगे जब आप डेली शो देखते हैं। जहां तक कॉमेडी की बात है तो कुछ एपिसोड्स हैं जो उस लेवल के नहीं हैं। बता दें कि हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम इंडियाज बेस्ट डांसर शो पर पहुंची थी। वहां कंटेस्टेंट ऋतुजा जुन्नारकर ने दया बेन के किरदार में डांस किया। शो के प्रोड्यूसर को ऋतुजा का लुक इतना पसंद आया था कि वह कहते हैं कि आप दया भाभी को हमारे शो पर भेज दीजिए। बताते चले कि दिशा वकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की पत्नी का रोल निभाया था। वह लगातार 3 साल से शो में नजर नहीं आ रही हैं। दिशा ने मैटरनिटी लीव लेकर गई थी, तब से वह शो पर नहीं लौटी। हालांकि शो से उनके जाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी चर्चा है कि वह जल्द ही शो पर वापस करेंगी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।